बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासरीन, मैं हूं डायरेक्टर सारी दुनिया न्यूज ब्लॉग के साथ, और इस वक्त हमारे साथ हैं पंजाब के साबिक वजीर दाखिला और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तला'आत हाशिम डोगर, उनसे बात करते हैं। डोगर साहब, ऐलान हो चुका है इंतखाबात का। मुस्लिम लीग ने दावा किया है कि पंजाब की 142 एमएलए में से 120 उनके होंगे, बाकी जो बच जाएंगे 30-35 लोग वो बाकी सब जमातों में तकसीम होंगे। आपको कितना हिस्सा मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखिए, दावे को तमाम जमातें करती हैं, दावा करने को मैं भी कह सकता हूँ कि वो पार्ट में भी हम बनाएंगे, सूबे में भी बनाएंगे। जो मरूजी हालात हैं, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि वो उस वक्त को वोट देना बचा है। आप देखें, पिछले जिमनी इलेक्शन में क्या हुआ था, इन्होंने तमाम जमातों ने मिलकर जो अपने एक एक कैंडिडेट क्या पीके, बिल्कुल उस वक्त के हालात बहुत मुस्तरब थे। एक तो ये कि पीके के बेस्ट कैंडिडेट मौजूद थे मौके पर, और पीटीए के तमाम एमपीएस एमएनएस ने जाके कंप्लेन की, हर एक में 20 हल्के थे। तो आप क्या लगता है आपकी जमात कितने एमएनएस और कितने एमपीएस के उम्मीदवार निकाल पाएगा? मुझे उम्मीद है कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर होगा। इस वक्त एग्जैक्ट नंबर देना तो मेरे ख्याल है कि हमारी कैंपेन के लिए 40+ तो एमएनए दी जाएंगे। मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम एक शहर से भी बेहतर परफॉर्म करें, 40 से बेहतर एमएनए ले सकते हैं। और एमपीएस एक बड़ी खुशी लाभ में हमारे पास, मैं समझता हूँ कि एक अच्छे फिगर होगा। क्या होगा वही मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि इस नाम प्लस चल जाएंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह चल जाएंगे। अच्छा, इस वक्त कहा जा रहा है कि एक लाडला प्लस की टर्म है, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? लाभुल लाडला प्लस का दावा करता है तो जाहिर है मियां नवाज शरीफ के लिए ये टर्म यूज करता हूँ। आपको भी लगता है कि लाडला प्लस नवाज शरीफ की है? जो पिछले हमने तकरीबन 1-1.5 माह में देखा और उसके बाद सारी शाम दी के पसे होते हैं, तो हमको नजर आता है कि चीज़ें बहुत फेयर नहीं है। जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो जो रिलीफ मिला उनको लेके आए, तो उसमें तो लोग उंगलियाँ उठा रहे हैं, सीधी बात है, उसमें कोई नया बदल कौन भी नहीं, बहुत गलत होगा। और जब ऐसी पंजाब और वफाकी हुकूमत दोनों जो मैदान घूमते हैं, गैर जानता है कि नून लीग के लिए इस्तेमाल हो गई। मैं तो माजर के साथ कहूँगा कि वो नून लीग को सपोर्ट करें, गैर जानता नहीं है, नजर नहीं आता। तो आपने कोई बतौर जमात आईपीपी ने कोई इलेक्शन कमीशन को तहरीरी कंप्लेन भेजी है वज़ीरे आला के खिलाफ या निगरान वज़ीरे आज़म के खिलाफ? इलेक्शन कमीशन को कैसे पता चलेगा कि किसी के तहफ़्ज़ात हैं? मेरा ख्याल है कि अभी तक हमने कोई तहरीरी तौर पर तो नहीं भेजा। हमारी जो अगली मीटिंग होगी उसमें जब लोग आएंगे अपनी शिकायत सामने रखेंगे, तो मतलब अगर आप ऑनेस्टली मेरे से ज़ाती तौर पर पूछें तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरे हल्के में मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। तो अब अगर बाकी हल्कों में है तो उनका उनका फ़र्ज़ है कि वो पार्टी की आदत को आगाह करें, और पार्टी को फिर चाहिए कि वो अपने जो हमारे अगर लाडला नवाज शरीफ है तो आईपीपी किसका बेबी है? आईपीपी किसी का बेबी नहीं है। हम सारे कोई हमने जमात दिन तो हमने सियासत शुरू की, हम ठीक है नई जमात है, मगर लोग सारे पुराने हैं, 3-3, 4-4 दसों से लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जब हम 9 मई के बाद जब हम मजबूर हुए कि अब हम पीटीए के साथ सियासत नहीं कर सकते, तो हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। कहा जाता है कि आईपीपी के कैंडिडेट माइनस से शुरू हो गए, ये बात दुरुस्त है सियासत? ये तो आप इंशाल्लाह जब 8 फरवरी की शाम को जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो आप देख लीजिएगा कि माइनस से शुरू होते हैं कि प्लस से शुरू होते हैं। मोदी का आपकी इलेक्शन में मद्दे मुकाबले होगी, हदफ मोदी के और या पीटीए? इस वक्त तो मोदी की है। अच्छा, पीटीए को तोड़ने का मत जारी है? पीटीए खुद टूटती जा रही है। देखिए ना, मैं हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि जाके आप जनाब आईपीपी में शामिल हों या किसी में शामिल हों या कोई मुझे ऐसा वर्स करके या जबरदस्ती वाला नहीं, मेरे साथ बेशुमार लोग हैं। रूपोश रहनुमा जो हैं वो आईपीपी के रूपोश होना एक अलहदा एक सब्जेक्ट है, वरना हम जो सारे लोग हैं हमने पिछले 15-20 साल तो हमने सियासत नून लीग और इन जमातों के खिलाफ की थी, कैसे हम अपने नज़रियात को इतना एकदम चेंज कर दें कि नहीं जी ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो जाहिर है हम तो वो लोग आईपीपी वो लोग हैं जो आज से 1 साल पहले भी किए, समेत जहांगीर तरीन साहब, बेशुमार उस वक्त जो 18 में जो कैंडिडेट्स आए थे वो इत्तेफाक तो ये चीजें तो जितनी उन्होंने बताई हैं ये बाकी तो पैसे चाहते हैं, नहीं तो कोई ऐसी नहीं आपको सामने है वो
उस वक्त उस हुकूमत में वजीर दाखिला थे, जाहिर है वजीर दाखिला के पास एजेंसी की सब की रिपोर्ट आती है। वाकई फरा तरक्की कारी थी, बुशरा बेटी जो है वो भी खुलकर खेल रही थी। एसच होम मिनिस्टर के पास तमाम अदारों की रिपोर्ट तो नहीं आती, मतलब एक मगर एज ए इंडिविजुअल मुझे पता है कि ये हो रहा था। क्या हो रहा था? करप्शन हो रही थी। कौन कह रहा था? उसमें सीएम सेक्रेटेरिएट यूज हो रहा था, उनके जो पहले वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो यूज हो रहे थे, उसमें जनाब कमीशन दिए जा रहे थे, उसमें और मिश्रा। मैं कभी भी ना पार्टी में इस सतह पे नहीं रहा कि मुझे कोई डायरेक्टली, मैं वजीर महबूदियाबादी ज्यादा अर्सा रहा, वो आपको पता है मतलब वो नहीं सब वो जाना जाता है। देखिए जब मैं वजीर दाखिला था, आपने जब वजीर दाखिला के कुछ मुफहमत की कोशिश कर रहे थे, उसको किसने सबरदास्त किया था? उसको पीटीए चेयरमैन पीटीए नहीं किया, पीटीए जो उनके इर्द गिर्द लोग थे। कौन कौन थे पता क्या? मैं नाम लेना चले मतलब किस लेवल पे थे जो उनके खास तौर पे जो बिल्कुल करीब थे, वो आप कर रहे हैं श्री मुजारी साहिबा थी और इस तरह के जो लोग थे फवाद चौधरी साहब थे। अच्छा, जो एस्टेब्लिशमेंट के मुफाहमत की कोशिशें आपकी थी पसे पर्दा रहते हुए, उनको उन्होंने नुकसान किया है? मैं ये नहीं कहूँगा, मैं समझता हूँ कि दो तीन चीज़ों ने, एक तो जो इमरान खान थे वो मिसलीड इस चक्कर में हो गए कि गलबन वो कोई ऐसी बड़ी फोर्स इकट्ठी कर देंगे कि आर्मी चीफ को चेंज कर दिया जाएगा। ये कोई मैं समझ, जो मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन है, कोई रिटायर्ड होंगे या हाजिर सर्विस होंगे, क्योंकि वो बाद में हमने देखा कि ISPR ने खुद बताया कि उन्होंने एक्शन लिया कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ। यानी ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी 9 मई? मैं तो उसको एक मुनज़्ज़म साजिश समझता हूँ, और मैं उसकी जो जो उसकी मेन जो करता धरता है वो मैं समझता हूँ कि जो, अच्छा आपने भी एक इमरान खान साहब की अहलिया थी वो इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा मुलव्वस थी। अच्छा, 9 मई की साजिश के पीछे दर हकीकत बुशरा बीबी ज्यादा इन्वॉल्व, ज्यादा मुलव्वस थी। अच्छा, दूसरे हमारे एक मिनिस्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उनको वो जब नहीं पहुंचे उधर जिना हाउस, तो उनको 2-3 दफा फोन करवाया गया कि आप वहां पे जाएं और लोगों को जिना हाउस के अंदर भिजवाएं, और ये पैगाम जो है ये डायरेक्टली वजीर इमरान खान की अहलिया की तरफ से आ रहा था। अच्छा, यानी 9 मई के पीछे कठपुतलियों की तरह हिलाने वाली जो मास्टरमाइंड थी वो बुशरा बीबी थी। मैं समझता हूं कि ज्यादा रोल उन्होंने अदा किया। अच्छा, ये बताएं कि आपकी पार्टी के सीएम और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट कौन है? मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब को हमारे वजीर आजम को कैंडिडेट होना चाहिए, और जो अलीम खान साहब है इनको वजीर आला पंजाब का कैंडिडेट होना चाहिए। अच्छा, लगता है कि आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि नून लीग के खिलाफ जरा ना अदब अदाब से तमीज से आप जरा थोड़ी सी बात कर रहे हैं, उतनी खुल के अपोजिशन नहीं कर रहे कि कल को इलेक्शन के बाद फिर उनके साथ बैठना पड़े? कहा जा रहा है कि मरकज में पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिला के हुकूमत बनाई जाएगी, पंजाब में IPP और नून लीग पार्टनर होंगे। नहीं, मैं आप मेरे तमाम TV चैनल्स पे, मैं पिछले काफी दिनों से काफी दफा मैं आया हूँ, मैं तो कभी भी एक दिन मैंने ऐसी बात नहीं की। मैं तो समझता हूँ कि मुल्क की बर्बादी और इस सूबे की बर्बादी में जो सबसे बड़ा हाथ है वो तो नून लीग है। ये 120 कहते हैं, ये कहना है कि हमें 120 MNA सीटें मिलेंगी, हमारी बात हो गई है अता तारण ने कहा, ये बात किससे हुई इनकी? पता नहीं अब किससे हुई है मेरे, चूंकि मैं इसका मुझे नॉलेज नहीं है, तो उनको ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए, और अगर वैसी बात आप करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि नोटिस दें। ये थे हाशिम डोगर, जो वाज तौर पर कह रहे थे कि जो 9 मई का वाक़ हुआ था उसकी दर हकीकत मास्टरमाइंड जो है वो बुशरा बीबी थी, और जिन लोगों को जिना हाउस के अंदर भिजवाने के लिए बार बार कॉल्स की जा रही थी वो बुशरा बीबी की तरफ से ये कॉल करके कन्वे किया जा रहा था कि आप लोगों को जिना हाउस लेकर जाएं। अब आज के इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, नासिन अल्लाह हाफिज़।